जुनूबी जिला कुलगाम सरपरस्त है, जहां पर करीबन 1 लाख रुपए से ज्यादा हीरोइन के ऊपर खर्च किया जाता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता देंगे कि कश्मीर के नौजवान पर महाना कितने लाख रुपयों का हीरोइन खाते हैं। जुनूबी जिला कुलगाम सरपरस्त है, जहां पर करीबन 1 लाख रुपए से ज्यादा हीरोइन के ऊपर खर्च किया जाता है। इस साल जिला में 90 FIR दर्ज, 120 मंशियात फरोश गिरफ्तार। माहरीन मंशियात के बढ़ते हुए इस्तेमाल को रोकने के लिए मुताद इकदाम तजवीज करते हैं। यहां तक कि जब पूरे कश्मीर में हीरोइन के इस्तेमाल में जबरदस्त इजाफा हो रहा है, जुनूबी जिला कुलगाम इस फरासत में सबसे आगे है, क्योंकि ये जिला इस मादा के इस्तेमाल पर 1 लाख रुपए खर्च करता है। सरकारी एदादोशुमार ने मंगल को इंकशाफ किया। एदादोशुमार बताते हैं कि जिला कुलगाम महाना हीरोइन पर 1,01,666 रुपए खर्च करता है, जो पूरे कश्मीर डिवीजन में सबसे ज्यादा है। इस सिलसिले में सर्वे इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस की कश्मीर ने किया है। सर्वे के मुताबिक कश्मीर में हर माह 9 लाख रुपए की हीरोइन बेची जाती है। इसमें कहा गया है कि अनंतनाग में हीरोइन पर 79,134 रुपए, बांडेपुरा में 1,02,002 रुपए, बारामूला में 71,020 रुपए, कश्मीर में सबसे कम बड़गाम में 88,950 रुपए, गांधरबल में 79,659 रुपए, श्रीनगर में 87,392 रुपए, 1,802 रुपए शोपियान में, और पुलवामा में 41,726 रुपए इस्तेमाल किए जाते हैं। वही मेडिकल सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुलगाम अफसाना बानू ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुलगाम में नशे के इलाज सहूलियत काम कर रहे हैं और वहां बहुत से मरीजों का इलाज किया जा रहा है। मैं वालिदैन से दरखास्त करती हूं कि अगर वो समझते हैं कि उनका बच्चा मनशियात का इस्तेमाल में मुब्तला है, तो वो करीबी अस्पतालों से रजू करे। कश्मीर में ऐसे मरीजों के इलाज की मुकम्मल सहूलियत यहाँ दस्तियाब है। वही एक पुलिस अहलकार ने बताया कि इस साल कुलगाम जिले में मनशियात फरोश के खिलाफ तकरीबन 90 FIR दर्ज किए गए हैं, तकरीबन 120 को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा कुलगाम जिले में पीटी एनडीपीएस एक्ट के तहत 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वही इस बारे में डॉक्टर यासिर राथर प्रोफेसर शोभा नफ्सियात जीएमसी श्रीनगर ने बताया है कि हीरोइन एक गैर कानूनी हार्ड कोर ड्रग है। ज्यादातर कुलगाम जिले में मादा इस्तेमाल करने वाले इस्तेमाल करते हैं, जो कि महंगा है और इसी वजह से कुलगाम में खर्च होने वाली रकम के मुकाबले में ज्यादा है। बदसलूकी करने वालों में ये गलतफहमी है कि वो इससे छुटकारा हासिल नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे नौजवान तमाम जिला अस्पतालों में दस्तियाब ITF का दौरा कर सकते हैं, जहां वो मुफ्त इलाज और दवाइयां हासिल कर सकते हैं। ये दवाइयां और काउंसलिंग ऐसे मरीजों को वापसी पर काबू पाने में मदद करेगी, जिसका सामना एक बार जब वो हीरोइन का इस्तेमाल बंद करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा, एक बार जब कोई शख्स नशे में मुब्तला हो जाता है, तो उससे सिर्फ फर्द ही नहीं बल्कि पूरा खानदान मुतासिर होता है। नशे में मुलव्वस शख्स को सेहत के दीगर बावजूद का भी सामना करना पड़ता है, जैसे कि HIV, HCV और इंडोकार्टिस जैसे जानलेवा बीमारियां। उन्होंने मजीद कहा कि इसकी ज्यादा मिकदार मौत का बास बन सकती है। एहतियाती इकदाम की जरूरत है और हमारे माशरे के हर जिम्मेदार शहरी, खास तौर पर मजहबी मुबल्लिगीन का एक अहम किरदार है। इसके अलावा कानून और निफाज जैसे सरकारी इदारों को मंशियात के फरोख्त को रोक कर सप्लाई में कमी पर तवज्जो देनी चाहिए। तरजीह सरगर्मियों की जरूरत है कि जिसमें नौजवान को मशगूल किया जा सकता है, जो उन्हें मनशियात की लत से दूर रख सकता है। नेज वालिदैन को भी अपने बच्चों पर बहुत ज्यादा तालीमी दबाव डालने से गुरेज करना चाहिए।